तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। शुक्र है तुमने मेरा फोन तो उठा लिया। आपकी बहन को कंपनी दे रही थी, बेचारी बोर हो रही थी। क्यों भाई, तुम्हारा भाई कहाँ गया है? एक्चुअली भाई किसी काम से बाहर गए हैं। सबके दिल का ठेका तुमने उठाया हुआ है, मेरे दिल का क्या हाल है इसके बारे में एक सवाल भी नहीं करोगी कभी तुम्हें? अरे बाबा, आप तो हर बात पे नाराज हो जाते हैं। अब क्या सारा दिन मैं आपसे बातें करती रहूं? काश ऐसा हो जाए, कसम से मेरी तो जिंदगी संवर जाएगी। और थोड़े दिन गुजरेंगे नहीं कि आप मुझसे बोर हो जाएंगे, है ना? मैं तुमसे कभी भी बोर नहीं होऊंगा, आजमा कर देख लो। बस करें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आप ये बताएं कि आपने पप्पू से शादी की तारीख की बात की? अभी से कैसे कर लूं, अभी तो रमशा की रुखसती हुई, कुछ दिन हुए, थोड़े दिन तो गुजरने तो अजीब लगेगा। बस बात करने की हिम्मत नहीं है, और आप मुझसे चाहते हैं कि मैं सारा दिन इजहार मोहब्बत करती रहूं। अच्छा ये बात है ना, तो तुम रुको, मैं आज ही बात करता हूँ अम्मी से, ठीक है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं नहीं मैं करता हूँ ना बात। कब मिलोगी बताओ ना, कब मिलोगी? अच्छा जी, तो आप मुझसे मिलना चाहते हैं? आज रिदा भी अपने घर की हुई। शुक्र है, बेटी को रुखसत करके बाप एक जिम्मेदारी पूरी तो करता है, लेकिन दिल का एक हिस्सा खाली सा हो जाता है। मैं भी जब सोचती थी ना कि रिदा इस घर से चली जाएगी तो दिल बैठने लगता था, मगर आज अल्लाह ने इतनी हिम्मत दे दी। बस दुआ करो अल्लाह उसे खुश रखे। वहां खुशियां तो जैसे इस घर से रूठ ही गई थी, मगर आज अल्लाह ने मेरी सुन ली। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। बेशक, तूने देखा जुबैर इस रिश्ते से कितना खुश था? मुझे लगता है पाकीज़ा उसे बिल्कुल ठीक कर लेगी। अगर ऐसा हो जाए तो हमारी सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। चाय लेकर आऊं, थक गए होंगे। नहीं मैं ठीक हूं। रिदा रुखसत हो गई, अब जुबैर रहता है। वैसे पाकीज़ा अच्छी लड़की है, मैंने खामखा अपने शक की वजह से उसे तकलीफ पहुंचाई। ये तुम कह रही हो? इंसान से गलती हो जाती है, अगर मुझे पहले पता होता कि वो जुबैर को पसंद करती है और जुबैर उसे, तो मैं आप पे कभी शक ना करती। सो रहा हूँ। मुझे आपसे भी बात करनी है। जल्दी बोलो। मैंने पाकीज़ा से भी माजरत कर ली है, आप भी मुझे माफ कर दें। तुम्हें माफ करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। एक मौका तो दे सकते हैं ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब तुम कह रही हो। मैंने कहा ना गलती होगी, अब जरूरी तो नहीं कि मैं गलती दोहराती रहूं। क्योंकि अब तो मुझे समझ आ गई है कि मुझे क्या करना है। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन तुम्हें माफ करने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। आपको जितना वक्त चाहिए आप ले लें, मैं तो बस चाहती हूँ कि जिस तरह आपके घर में जगह बनाई है वैसे ही आपके दिल में भी बना लूं। कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा आपको तकलीफ ना दूं।
सब क्या है? जो काम तुम्हें करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं। हो गई तसल्ली। कहा था ना मेरे पास कोई फाइल नहीं है। जरूरी नहीं है कि फाइल तुमने नहीं कहीं रखी हो। मेरी बात का यकीन करें, फाइल हमसे खो गई है। अच्छा, खो गई है। एक बात बताओ, तुम इतनी बेवकूफ हो या बना रही हो? तुम क्या चाहती हो? एक फाइल को लेकर तुम इस घर में तूफान खड़ा करना चाहती हो? हाँ, सच कह रही हूं, मेरा यकीन करें। इस घर में सबको धोखा देकर तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारा यकीन करूं? यार क्या चाहती हो? चलो आज बता दो क्या चाहती हो। विदा को एक ही दिन में तलाक हो जाए? अल्लाह ना करे, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, लेकिन सोचो ना, अगर अभी मैंने जाकर हसन को ये बात बता दी तो क्या करेगा? तुम्हें क्या लगता है, फिदा को वो तोहफे में हीरे की अंगूठी दे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात का यकीन करें। नहीं आ रहा तुम्हें मुझ पर? हाँ, थोड़ा सा तो आ रहा होगा, है ना? लेकिन जो तुम्हारे जुड़े हुए हाथ है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम यही चाह रही हो ना कि रिदा की शादी तक कुछ दिन रुक जाओ, फाइल छुपा के रखो और बाद में सबको बता दो, क्योंकि ज्यादा देर तक तो तुम भी खामोश नहीं रह सकते, है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर एक बात कान खोल कर सुनो, अगर मुझे फाइल नहीं मिली ना तो कल सुबह नाश्ते की टेबल पर सबको बता दूंगा हकीकत, फिर आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है? खुदा के लिए थोड़ा सा वक्त दे दें प्लीज। थोड़ा सा वक्त? मैंने तो अपना पूरा वक्त तुम्हें देना चाहा था, अगर तुमने ही कबूल नहीं किया, अब तो यही वक्त है तुम्हारे पास। कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुकाम हो रहा है तुम्हें? जी बाजी। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में, जुकाम में नाश्ता बनाओगी तो सब बीमार हो जाएंगे। जाओ। अच्छा क्या हुआ? मेरे को फोन ही नहीं लग रहा। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अभी तक फाइल मिली ही नहीं है। फाइल मेरे पास थी नहीं, आपने खुद देखा था। ठीक है, फिर मुझसे मत कहना कि मैंने मौका ही नहीं दिया। एक मिनट, फाइल शायद उमेर के पास ही होगी, बस वो
आ जाए तो फिर मैं दे दूंगी, थोड़ी देर सफर कर ले। 10 मिनट, 10 मिनट हैं तुम्हारे पास। सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए हैं। अगर आज फाइल नहीं मिली तो यह किस्सा यहीं खत्म कर दूंगा। क्या हुआ पाकिजा, तुम इतनी गुमसुम क्यों? कुछ नहीं, बस वैसे ही। मैं तुमसे मदद मांगने आई थी। हाँ कहो। सिद्रा को जुकाम हो गया है, सब नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर तुम्हारे हाथ के पराठे मिल जाएं तो ठीक है, मैं बना देती हूँ। पाकीज़ा कहाँ है? वो सिद्रा को जुकाम है तो नाश्ता पाकीज़ा बना रही है। अम्मी कहाँ? आ रही है अभी, रात को काफी थक गई थी। मैं अम्मी को देख कर आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? अम्मी आ रही है। हाँ लेकिन आओ, मैं बैठो, यही तो एक खास लम्हा। सुबह सबको बताने वाला है। बैर, कहाँ जा रहे हैं? बैठे ना, अम्मी आ जाएंगे। वो हाँ हाँ बैठो ना, आ रही है अभी। सिद्रा, सिद्रा, सिद्रा। जी अम्मी। ये सिद्रा कहाँ है? सिद्रा की तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या हो गया उसे? शायद फ्लू हो रहा है। ओहो, कोई मेडिसिन दे देती। अच्छा चलो, नाश्ता मैं बना लेती हूँ। नहीं अम्मी, नाश्ता मैं बना लूँगी आज। अरे तुम क्यों बेटा? अच्छा चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। अरे बेटा अकेले कैसे बनाओगी? मुझे आदत है अम्मी। जीती रहो। पाकीज़ा बाकी चीजें लेकर आ रही। बाबा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। पाकीज़ा अभी तक आई नहीं नाश्ता लेकर, देर हो रही है मुझे। ला रही है बेटा। इतनी जल्दी किस बात की है? बाबा से मुझे एक जरूरी बात करनी है, सुनते हो? जाओ। हाँ कहो, क्या बात है? बाबा उमेर और पाकीज़ा हम सब से झूठ बोल रहे हैं। कैसा झूठ? ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, वो पाकीज़ा ने जुबैर से कोई मजाक किया था, वो जुबैर सीरियस हो गया। क्या हो गया जुबैर? हकीकत पर पर्दा मत डालो हमारे बाबा। उमेर और पाकीज़ा मिलकर हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बाबा। ठीक है, साफ साफ बताओ क्या बात है जुमेर। कैसे बताऊं आपको बाबा, उमेर और पाकीज़ा ने पाकीज़ा
गाड़ी तक जाने बस बहुत हो गया, मुझे अपने बच्ची से मिलना। तो अब तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत जाग गई बेटी की? उस वक्त तो तुम्हारी समझ में कोई बात आ नहीं रही थी बावजूद मेरे समझाने के। कई बार कहा जुनैरा बेगम, मगर तुम ऐसी बात गढ़ती थी ऐसा लगता था जैसे जो कुछ तुम कह रही हो वही सही है। दलायल पे दलायल मुझे चित कर देती थी। मेरे पास कुछ कहने को होता ही नहीं था। काश उस वक्त तुम समझ जाती तो आज ये दिन न देखने पड़ते हैं। अब आप क्या सारी जिंदगी मुझे ताने देते रहेंगे? और मैंने ऐसा क्या बुरा किया? मैं तो ये चाहती थी कि मेरी बेटियों की इज्जत हो और वो इज्जत के साथ इस घर से रुखसत हो। तो कामयाब हो गई। उस वक्त का शोर शराबा डांट डपट तुम्हारे इस रवैये ने बच्चों के दिलों में इस घर को दोजख बना दिया। अब आप ये बातें दोहराते रहेंगे। मैं मानती हूं गलती मेरी है, लेकिन सभी तो कुछ अच्छा नहीं किया हमारे साथ। तो फिर क्यों जा रही हो? क्यों जा रही हो उसके वहां? उसने तो हमारे सरों में खाक डाल के धूल डाल के सारे जमाने में रुस्वा कर दिया। वो जो कर गई। अगर मैं एक माँ हूं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता पाकीज़ा के अब्बा, मेरा दम घुटने लगा है। मुझे लगता है जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है मेरी बच्ची। अफसोस हुआ पाकीज़ा का सुन के। पता नहीं कैसे किचन में गिर गए। वैसे आप तो सबसे ज्यादा परेशान हो गए बगैर सोचे समझे। मैं इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहता, बेहतर है मुझे अकेला छोड़ दो। आप तो मुझ पे ऐसे गुस्सा हो रहे हैं जैसे उसको मैंने गिराया। तुमसे उम्मीद भी की जा सकती। आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? माना कि वो मुझे अच्छी नहीं लगती मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। सुना आपने? सब बहुत परेशान हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। मुझे मजीद परेशान मत करो। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, ये पूछना था कि डॉक्टर ने क्या कहा है। तुम कुछ देर खामोश रह सकती हो।
एक्सक्यूज मी जी, पाकीज़ा कैसे हैं? तो उनकी हालत काफ़ी सीरियस है, बस अब दुआ करें इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। सुन लिया तुमने भी? तुम समझती हो औलाद से सिर्फ माँ को मोहब्बत होती है, बाप तो औलाद से मोहब्बत करता ही नहीं। वो मेरी बेटी है सुनहरा बेगम, बेटी है मेरी, मैं बाप हूं उसका। मैं अपनी औलाद पे जान कुर्बान कर सकता हूं, मैं क्या, दुनिया का हर बाप ऐसा करता है। लेकिन जब औलाद औलाद बाप की इज्जत को, उसके जज्बात को पैरों तले रौंद कर, बाप जैसी मजबूत दीवार को गिरा कर उसका मान तोड़ दे, तो फिर बाप जिंदा नहीं रहता, लाश बन जाता है, मर जाता है, और उसके दिल से सारी मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं, कुछ भी नहीं रहता। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों खुद से भाग रहे हैं आप पाकीज़ा के अब्बा? मत नाम लो उसका मेरे सामने, मत कहो मुझे उसका बाप। आप झूठ बोल रहे हैं, खुद से भी और मुझसे भी। आप आज भी उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपके अल्फाज आपकी अना को नहीं छुपा सकते। मैं माँ हूं, माँ और बाप की मोहब्बत में यही तो फर्क होता है। माँ अपनी इज्जत और अना नहीं देखती, सिर्फ मोहब्बत करती है, अपने आप को नहीं देखती। आप अंदर से टूट गए, पाकीज़ा के जाने के बाद मैं आपको देख रही हूँ, आपको देख रही हूँ। पाकीज़ा के जाने के बाद मैं आपको 32 साल से जानती हूँ, आपके साथ जिंदगी गुजारी है। मैं आपको नहीं जानती क्या? सब समझती, सब समझती। बादल, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, अपने बेटे को लो और उसके साथ चली जाओ। अम्मी, पाकीज़ा के बचने के चांसेस बहुत कम है, कुछ भी हो सकता है। बस कर दो बुशरा, अल्लाह ना करे उस मासूम बच्ची को कुछ हो। मैं नहीं कह रही, डॉक्टर ने बताया है। जो भी है, हमें उम्मीद तो नहीं आनी चाहिए ना, बस अल्लाह से दुआ करो। जी आप ठीक कह रही हैं। अब कैसी तबीयत है पाकीज़ा की? शी इज फाइन। और बेबी? वो भी बिल्कुल ठीक है। आपकी वाइफ वैसे हैं बहुत स्ट्रांग, हालांकि बच्चे से ज़्यादा उनकी जान को ख़तरा था, लेकिन माशाल्लाह सब दोनों ठीक हैं। थैंक यू, मैं
बहुत परेशान था दोनों की वजह से। मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन अब आपको उनकी पहले से ज़्यादा केयर करनी होगी। डेफिनेटली मैं उनका पहले से ज़्यादा ख्याल रखूँगा। उन्हें घर कब तक लेके जा सकते हैं? आप उन्हें अभी घर ले जा सकते हैं। थैंक यू। यू वेलकम। मेरी लापरवाही की वजह से हमारे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? नहीं, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। तुम सच कह रहे हो? तुम प्लीज रो मत, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, सारी गलती मेरी है, मुझे नहीं, नहीं नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है बाकी सा। जान तो ये हरकत किसकी है? एक ही शख्स है जो इस हद तक गिर सकता है। सुबैर? हाँ सुबैर, उसे इस हरकत का जवाब देना होगा। नहीं उमर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों भाइयों के दरमियान कोई दुश्मनी पैदा हो। इसका दुख सबसे ज्यादा अम्मी बाबा को पहुंचेगा। कीसा, लेकिन उसने इतनी गिरी हुई हरकत की है, उसकी सजा तो मिलनी चाहिए उसे। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपका घर बिगड़े। मैं अपने आप को कसूरवार समझूंगी हूँ। मैं खुदा का वास्ता ऐसा कुछ मत करना अभी। ठीक है, लेकिन फिर हमें एक और काम करना होगा। हमें जुबैर को यह बताना होगा कि हमारा बच्चा नहीं रहा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जुबैर अपने मकसद में नाकाम हो गया और वो दोबारा तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए हमें उसे वही बताना चाहिए जो वो चाहता है, ताकि वो दोबारा ऐसी गिरी हुई हरकत ना करे। क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? दो दिन से मेरी जान सूली पे अटकी हुई है। अरे मेरी बच्ची जरूर किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है। अल्लाह करे कि ये सब कुछ मेरा वहम हो, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा जब तक मैं उसे देख नहीं लूंगी। मेरी जान में जान नहीं आएगी। मैं मेरे सब्र का इम्तिहान ना रहो। मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, शहजाद के साथ चली जाओ। मैंने शहजाद से कहा है, मैं कहती हूँ आप भी साथ चले ना। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं नहीं जाऊंगा, कह दिया। तुम जाओ जाओ, बेटे को लो और चली जाओ। मैं तो जब पाकीज़ा का नाम लेती हूँ तो वो भी मेरे गले आता है। क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप शहजाद से कहें ना, आपकी बात वो मान लेगा।
टालेगा नहीं, कहे ना मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। भी डॉक्टर से मिलते हुए आ रही हूँ, वो बता रहे पाकीज़ा बिल्कुल ठीक है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये मासूम बच्ची हमारी जिम्मेदारी है, खुदा ना खास्ता से कुछ हो जाता तो हम खुद को कभी माफ ना कर पाते। अब हमें पाकीज़ा को और भी ख्याल रखना होगा अम्मी। हाँ पाकीज़ा का सुनकर हम तो परेशान ही हो गए थे मुमानी। वैसे अम्मी ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, हमें तो बस उसकी चीख की आवाज़ आई, जाकर देखा तो फर्श पे गिरी पड़ी थी। हो जाता है मुमानी, हो सकता है बेध्यानी में उसका पाँव फिसल गया हो। हाँ लगता तो है, बल्कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। चले अल्लाह बेहतर करेगा। मैंने कहा ना काम हो जाएगा, तुम वो करो जो मैंने कहा है, ठीक है? क्यों क्या तुम ऐसा? जवाब दो मुझे। पागल हो गए तुम? क्या किया मैंने? सतान जान बनने की कोशिश मत करो। अच्छे से जानते हो क्या कह रहा हूं मैं। लालच में अंधे हो गए तुम, ये भी नहीं सोचा कि किसी मासूम की जान ले रहे हो तुम। मुझे लग रहा तुम होश में नहीं हो। क्या किया है मैंने बताओ। झूठ मत बोलो। तुम्हें पाकीज़ा ने फाइल नहीं दी इसलिए तुमने उससे बदला लेने के लिए उसे नुकसान पहुंचाया। मुझे जो करना होता है तनके की चोट पे करता हूं, किसी के बाप से नहीं डरता मैं। और मैंने पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे सिर्फ मेरी फाइल चाहिए। और पाकिस्तान तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो? पाकिस्तान ठीक है लेकिन बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही अपनी आंखें बंद करके क्या से हमारी खुशी छीनी है? पाकीज़ा की और मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया तुमने। अगर तुम भाई ना होते ना तो तुम्हें जिंदा ना छोड़ता मैं। मैंने कुछ नहीं किया उमेर। अभी मेरा खून तुम्हारी तरह सफेद नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं ना मैंने कुछ नहीं किया। और फाइल वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। उमेर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा ना तुमसे उमेर, उमेर, मुझे मेरी फाइल चाहिए। नहीं अम्मी ऐसा नहीं है, मेरे ससुराल में इस हकीकत का किसी को नहीं पता। को ये लग रहा है कि पाकीज़ा की तबीयत खराब है। आपको क्यों शक हो रहा है कि ये बात सच्ची नहीं? मैंने उमेर के मुंह से खुद सुनी है, फिर तो शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। अभी मैं कह रही हूं ना। शायद तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं यार मेरा? अम्मी मैं बाद में बात करती हूँ, अब अम्मी से बात कर रही थी, पाकीज़ा के बारे में बता रही थी, उन्हें मुझसे ज्यादा पाकीज़ा की फिक्र है। चलो इसी बहाने अम्मी को तसल्ली हो गई। आप लोग इतने अच्छे हैं, इतना प्यार करते मुझसे, मेरी तो शायद अपनी भी मुझसे इतना प्यार नहीं करते होंगे। बेटा ऐसे क्यों कह रही हो? अपने हो या पराए, अच्छे लोगों से तो सभी प्यार करते हैं। मम्मी आप लोग वाकई बहुत अच्छे हैं, मैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ।
बेटा क्यों नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो, ऐसे ही तो नहीं कोई गैरों के दिल में अपनों से बढ़ के जगह बना लेता। तुम्हारी अच्छाई तो है जो हम सब तुमसे इतना प्यार करने लगे। अम्मी मुझे माफ कर दो। अरे बेटा तुम माफी क्यों मांग रही हो? आप लोगों ने इतना कुछ किया है मेरे लिए और मैंने सिर्फ आप लोगों को परेशानी दी। नहीं बेटा, तुमने कहाँ परेशान किया है हमें, बस अब तुम्हें हमारी बात मानना होगी। घर का अब कोई काम तुम नहीं करोगी, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, समझी? रिश्ता है बरसों का, ये है जियो।